किसान भाइयों बहनों, आज विश्व सॉयल डे। आज हम पूरे देश में हर जिला में इस अवसर पर आप किसान भाइयों से एक ही विनती करना चाहता हूं कि हम जो हिंदुस्तान के लोग हैं, जो हिंदुस्तान की मिट्टी में पैदा लिए हैं, हम यहाँ की मिट्टी को सिर्फ ज़मीन का टुकड़ा नहीं मानते, इसे अपनी माँ मानते हैं। और माँ की सेहत यदि ठीक नहीं रही तो निश्चित रूप से जो हम सब धरती पुत्र हैं, किसान भाई हैं, हमारी भी हालत ठीक नहीं रहेगी। प्रधानमंत्री जी ने अपने मन की बात में विस्तार से इस पर चर्चा भी की है, देशवासियों का आह्वान भी किया है, किसान भाइयों बहनों से अपील भी किया है। और मोदी सरकार आने के बाद सॉयल हेल्थ कार्ड की योजना पूरे देश में एक रूपता के साथ प्रारंभ की गई और 10 करोड़ किसानों को आज तक सॉयल हेल्थ कार्ड मिल चुके हैं। मेरी विनती यही है कि जिन किसान भाइयों को सॉयल हेल्थ कार्ड न मिला हो, अपने जिला के कृषि पदाधिकारी से संपर्क कर निश्चित रूप से सॉयल हेल्थ कार्ड बनवाएं। और न सिर्फ सॉयल हेल्थ कार्ड बनवाएं, या जो बने हुए हैं उनके अनुसार जो धरती माता है उसको पोषक तत्व भी मुहैया कराए, ताकि हमारे देश में सतत उत्पादकता बनी रहे, धरती माता स्वस्थ रहे और धरती माँ के हम जो बेटा हैं, किसान भाई हैं, धरती पुत्र हैं, और हमारी भी खुशहाली आए, यही हमारी विनती है। मेरे प्यारे देशवासियों, 5 दिसंबर को वर्ल्ड सॉयल डे है। मैं अपने किसान भाई बहनों से भी कुछ बातें करना चाहता हूँ। पृथ्वी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है मिट्टी। हम जो कुछ भी खाते हैं वह इस मिट्टी से ही तो जुड़ा हुआ है। एक तरह से पूरा फूड चेन मिट्टी सॉइल से जुड़ा हुआ है। जरा कल्पना कीजिए, अगर इस विश्व में कहीं भी उपजाऊ मिट्टी ना हो तो क्या होगा, सोच करके भी डर लगता है। न मिट्टी होगी, न पेड़ पौधे उगेंगे, मानव जीवन कहाँ संभव होगा, जीव जंतु कहाँ संभव होगा। हमारी संस्कृति में इस पर बहुत पहले चिंता कर ली गई और यही कारण है कि हम मिट्टी के महत्व को लेकर प्राचीन समय से जागरूक रहे हैं। हमारी संस्कृति में एक और खेतों के प्रति, मिट्टी के प्रति भक्ति और आभार भाव लोगों में बना रहे ऐसा सहज प्रयास है, तो दूसरी ओर ऐसी वैज्ञानिक पद्धतियां जीवन का हिस्सा रही कि इस मिट्टी का पोषण होता रहा। इस देश के किसान के जीवन में दोनों ही बातों का महत्व रहा है, अपनी मिट्टी के प्रति भक्ति और साथ साथ वैज्ञानिक रूप से मिट्टी को सहजना संवारना। हम सबको इस बात का गर्व है कि हमारे देश के किसान परंपरा से भी जुड़े रहते हैं और आधुनिक विज्ञान की तरफ भी रुचि रखते हैं, प्रयास करते हैं, संकल्प करते हैं। मैं हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के टोहू गांव, भोरंज ब्लॉक और वहाँ के किसानों के बारे में मैंने सुना था। यहाँ किसान पहले असंतुलित ढंग से रासायनिक उर्वरकों का, फर्टिलाइजर का उपयोग कर रहे थे और जिसके कारण उस धरती की सेहत बिगड़ती गई, उपज कम होती गई और उपज कम होने से आय भी कम हो गई और मिट्टी की भी उत्पादकता धीरे 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 घटती जा रही थी। गांव के कुछ जागरूक किसानों ने इस परिस्थिति की गंभीरता को समझा और इसके बाद गांव के किसानों ने समय पर अपनी मिट्टी की जांच कराई और जितने फर्टिलाइजर, उर्वरकों, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और जैविक खाद का उपयोग करने के लिए उन्हें कहा गया, उन्होंने उस एडवाइस को माना, उस सलाह को माना। और आप ये परिणाम सुनकर के चौंक जाएंगे कि सॉइल हेल्थ के द्वारा किसानों को जो जानकारी मिली
और उससे उनको जो मार्गदर्शन मिला उसको लागू करने का परिणाम क्या आया। रबी 2016-17 में गेहूं के उत्पादन में प्रति एकड़ 3 से 4 गुना की वृद्धि हुई और आय में भी प्रति एकड़ 4,000 से लेकर के 6,000 रुपये तक की वृद्धि हुई। इसके साथ साथ मिट्टी की क्वालिटी में भी सुधार आया, फर्टिलाइजर के उपयोग कम होने के कारण आर्थिक बचत भी हुई। मुझे यह देखकर काफ़ी खुशी है कि मेरे किसान भाई सॉइल हेल्थ कार्ड, मृदा स्वास्थ्य कार्ड में दी गई सलाह पर अमल करने के लिए आगे आए हैं और जैसे जैसे परिणाम मिल रहे हैं उनका उत्साह भी बढ़ता जा रहा है। और अब किसान को भी लग रहा है कि अगर फसल की चिंता करनी है तो पहले धरती माँ का ख्याल रखना होगा, और अगर धरती माँ का हम ख्याल रखेंगे तो धरती माँ हम सबका ख्याल रखेगी। देश भर में हमारे किसानों ने 10 करोड़ से अधिक सॉइल हेल्थ कार्ड बनवा लिए हैं ताकि वे अपनी मिट्टी को बेहतर ढंग से समझ सकें और उस अनुरूप फसल भी बो सकें। हम धरती माता की भक्ति करते हैं पर धरती माता को यूरिया जैसे उर्वरक फर्टिलाइजर से धरती माँ के स्वास्थ्य को कितनी हानि होती है कभी सोचा है? हर प्रकार के वैज्ञानिक तरीक़े से ये सिद्ध हो चुका है कि धरती माँ को आवश्यकता से अधिक यूरिया के उपयोग से गंभीर नुकसान पहुँचता है। किसान तो धरती का पुत्र है, किसान धरती माँ को बीमार कैसे देख सकता है? समय की मांग है इस माँ बेटे के संबंधों को फिर से एक बार जागृत करने की। क्या हमारे किसान, हमारे धरती के पुत्र, हमारे धरती के संतान ये संकल्प कर सकते हैं क्या कि आज वो अपने खेत में जितना यूरिया का उपयोग करता है 2022 जब आज़ादी के 75 साल होंगे आधा उपयोग बंद कर देगा? एक बार अगर माँ धरती का पुत्र मेरा किसान भाई ये संकल्प कर लें तो देखिए धरती माँ की सेहत सुधर जाएगी, उत्पादन बढ़ जाएगा, किसान की जिंदगी में बदलाव आना शुरू हो जाएगा। माटी यही धरती है, यही जीवन है, यही माँ भी। माटी यही पोषण है, यही आशियाना भी। माटी किसी कारीगर का हुनर भी है, हर किसान की पहचान है माटी। माटी के अलग अलग रंग रूप उसकी अलग तासीर बताते हैं। माटी की उर्वरा शक्ति हमेशा एक सी रहे ये जरूरी नहीं। आज बढ़ती आबादी का बोझ जाने अनजाने इस माटी का दोहन करने लगा। जरूरत से ज्यादा रासायनिक खाद के इस्तेमाल ने आज पूरी दुनिया में लाखों एकड़ जमीन को बंजर बना दिया है। मिट्टी को आज हमारे स्नेह और देखरेख की जरूरत है। केंद्र सरकार की सॉइल हेल्थ कार्ड योजना इसी दिशा में की गई एक पहल। चलिए आपको लिए चलते हैं छत्तीसगढ़, एक खूबसूरत राज्य जहां एक तरफ जनजातीय संस्कृति के मोहक रंग है, वहीं दूसरी तरफ यहाँ की मिट्टी में भू संपदा के रूप में बेशुमार खनिज। यहाँ परंपरा और आधुनिकता से किसानों का मेल खेती में नए चमत्कार पैदा कर रहा है। मिट्टी की जांच कर किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड देने वाला छत्तीसगढ़ भारत का एक ऐसा राज्य है जिसने तय लक्ष्यों से बढ़कर काम किया। छत्तीसगढ़ के किसानों के दमकते चेहरे बता रहे हैं कि सॉइल हेल्थ कार्ड ने उनके खेतों को संवारा है।
ये कार्ड मन बन लीगो ने हम के बोला अच्छा लागे से एबे बराबर मात्रा में मैं खाद डालू ले सकूं। कितना केजी क्या पोटाश लगाना है, कितना केजी यूरिया लगाना है, कितना डीएपी लगाना है, पूरा जानकारी हो गया। पहले से अब बेहतर है फसल? पहले से थोड़ा धान ज़्यादा ही है, फसल थोड़ा तेज हो रहा है अभी, और खाद भी सीमित मात्रा में देते हैं, संतुलित मात्रा में। हम लोग का कुछ बेनिफिट स्थिति, आर्थिक स्थिति सुधर गई। पहले हम लोग कांवड़ और झोला और गौ माने गपा टाकरा ये में बो के ले जाते थे, तो अभी क्या है बोरी वोरी में भर के गाड़ी में भरते हैं और ले जाते हैं बाजार। सॉइल हेल्थ कार्ड योजना पर केंद्र सरकार विशेष ध्यान दे रही है, इसके लिए उन्नत इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया है। किसानों के असिंचित खेतों के 10 हेक्टेयर से और सिंचित खेतों के 2.5 हेक्टेयर के ग्रिड बनाए गए हैं। किसान आसानी से सॉइल हेल्थ कार्ड बनवा सकते हैं। इसके लिए उनके खेतों से मिट्टी के नमूने इकट्ठे किए जाते हैं। सॉइल सैंपल्स को प्रयोगशाला में छानकर जांच के लिए तैयार किया जाता है और फिर रासायनिक गुणों की जांच की जाती है। ये पीएच मीटर है, इसका उपयोग किसानों की मृदा का पीएच ज्ञात करने के लिए करते हैं, जिससे पता चले कि सॉइल अम्लीय है, क्षारीय है, लवणीय है, सामान्य में सॉइल सैंपल है, पता चलता है। मिट्टी के पीएच की जांच के बाद विभिन्न मशीनों एवं उपकरणों के द्वारा मिट्टी के प्राथमिक पोषक तत्व जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम और सूक्ष्म पोषक तत्वों की जांच कर 12 पैरामीटर से आंका जाता है। फिर सॉइल हेल्थ कार्ड बनाने की प्रक्रिया में मिट्टी के तत्वों को वेबसाइट पर ऑनलाइन दर्ज किया जाता है। इसके बाद सॉइल हेल्थ कार्ड की छपाई कर किसानों में बांट दिया जाता है। सॉइल हेल्थ कार्ड के महत्व को बढ़ाने के लिए छत्तीसगढ़ ने प्रत्येक किसानों को यह आह्वान किया है कि बिना सॉइल हेल्थ कार्ड के किसी भी सोसाइटी में, किसी भी दुकान में उनको उर्वरक नहीं मिलेगा। इसलिए प्रत्येक किसान अपना सॉइल हेल्थ कार्ड लेकर के कोऑपरेटिव सोसाइटी में जाता है और उसी के आधार पर सॉइल हेल्थ कार्ड में अनुशंसित मात्रा के आधार पर वहाँ से उर्वरक उठाता है और उसका उपयोग अपने खेतों में करता है। आज पूरे देश में सॉइल हेल्थ कार्ड के जरिए किसानों को खेती में तकनीक की बुनियादी जानकारियों से जोड़ा जा रहा है। लक्ष्य सिर्फ कार्ड बनाने का नहीं है, सॉइल हेल्थ कार्ड नई सदी की, नई खेती की और नई तकनीक के समन्वय की सोच है। अपनी मिट्टी को सहेज कर संजोकर रखने की दिशा में उठाया गया अहम कदम।